हेलो दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने सांख्यिकी की भूमिका और बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में हमने जाना था और उसमें हमने तीनों सीरीज से एक एक क्वेश्चन किया था। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 34 व्यक्तियों की आय प्रति रुपये 1000 में के निम्न आवृत्ति से वितरण से समांतर माध्य की गणना कीजिए। डिटरमाइन अरिथमेटिक एवरेज इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग इनकम इन द 1000 रुपीज पर मंथ ऑफ 34%। दिया हुआ है कि व्यक्तियों की संख्या 34 है और उनके कुछ 1000 रुपये में करके वर्ग अंतराल दिया हुआ है और कह रहा है कि आप उनकी समांतर माध्य की गणना कीजिए। उनका समांतर माध्य निकालना है। 34 व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ जो फ्रिक्वेंसी है और उसमें कह रहा है कि आप समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं कि अगर आपकी सतत श्रेणी होती है या ग्रुप श्रेणी होती है तो उसमें आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। तो इसके बाद हम आगे क्या करना है, इसके बाद हमको मिड वैल्यू निकालनी है। तो आ जाइए, मिड वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, मिड वैल्यू इसको हम एक्स कहते हैं। इसके लिए आपको करना है 0 और 2, इसको जोड़ेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम L1 और L2 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 1, 0 और 2, इनको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। आपका मिड वैल्यू 1 आएगा, 2 और 4 इनको जोड़ेंगे 6, और मिड वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, 6 और 4 10, मिड वैल्यू 5, अगला आपका 6 और 8 14 हो गया, मिड वैल्यू 7 हो जाएगा, 10 और 8 18, मिड वैल्यू 9 हो जाएगी, 12 और 10 22, मिड वैल्यू 11 हो जाएगा, 12 और 14 आपका हो जाएगा 26 और मिड वैल्यू हो जाएगी 13। तो आपने देखा कि क्लास इंटरवल से हमने आसानी से मिड वैल्यू निकाल लिया। और आगे आपका अगला चरण है मिड वैल्यू निकालने के बाद एक्स और एफ का मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई किया जाए क्योंकि हमको आगे समांतर माध्य निकालने के लिए आपका फार्मूला दिया हुआ है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एम, सिग्मा एफ एक्स अपान एम। ठीक है, तो आ जाइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम आपका हो गया 3 और 7 त्रिक हो गया 21, 8 पच्चे हो गया 40, 10 और 7 हो गया 70, 10 और 7 70 हो गया, 9 एकम हो गया आपका 9, 2 और 11 11 2 22 हो गया, 13 और 3 39। तो आप इसको जब ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स और एफ को आप ऐड करेंगे एन बराबर, तो आ जाएगा एन बराबर। आपको ऐड नहीं करना है इसलिए कि एन बराबर दिया हुआ था 34 व्यक्तियों की संख्या। तो एन बराबर आप जोड़ सकते हैं 7 3 10 10 और 10 20 8 28 1 29 29 और 2 आपका हो गया 31 31 और 3 34। तो 34 व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया 34। अब आपको ऐड क्या करना है इनको, तो आप इनको ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जो आपका आ रहा है उसको लिखिए। तो आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 204। तो आपका ऐड करने के बाद आ गया सिग्मा एफ एक्स 204 और एफ बराबर दिया हुआ है 34। तो इसको आप 204 और बटा 34 डिवाइड कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, लेकिन 6 आएगा आपको दिया हुआ है 1000 में, तो 6000 में आएगा। ठीक है, 6000 रुपये, इसको आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6000। समांतर माध्य आपको मिल गया 6000 रुपये। तो आपने क्वेश्चन लिखा दिया हुआ था 34 व्यक्तियों की आय प्रति 1000 रुपये में के दिन आवृत्ति वितरण से समांतर माध्य की गणना कीजिए। आपका डेटा दिया हुआ था CI 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। 0 से 2 में फ्रीक्वेंसी थी 3, 2 से 4 में 7, इस तरीके से 8 10 1 2 और 3, सबका योगफल हो गया 34। और मिड वैल्यू आपने निकाला एक्स, मिड वैल्यू को ही एक्स कहते हैं, इसका हिंदी में नाम होगा आपका मध्यमान। मिड वैल्यू का हिंदी में नाम मध्यमान होगा, या आप उसको और कह सकते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आप कह सकते हैं। एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया 204
204 में आपने n से भाग कर दिया तो आ गया आपका 6000 रुपये। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। okay. आपका अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है निम्न आंकड़ों से माध्य का परिक्रम कीजिए। माध्य का परिक्रम कीजिए मतलब कैलकुलेट मीन। ठीक है, मीन हो गया आपका माध्य, और इसमें भी आपको माध्य ही निकालना है। लेकिन आप इसके पहले देखा होगा कि जो सीरीज दिया हुआ था या जो आपके क्लास इंटरवल दिया हुआ था उसमें यहाँ से जो L1 और L2 था, यह L2 और L1 मतलब दूसरे वाले का L2 और पहले वाले का L2 दूसरे वाले का L1 दोनों सेम रहता था, लेकिन इसमें एक का अंतर आ गया। आप इसको निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका अंतर आपका 1 से 9 का हो गया और यहाँ पे L2 L1 सेम होना चाहिए, तो यह सीरीज डिसमिस है या सीरीज डिसबैलेंस है। इसको आप पहले बैलेंस करेंगे। सीरीज को बैलेंस करने के लिए आप करेंगे क्या, जो L1 होगा उसमें से -0.5 कर देंगे और जो L2 होगा उसमें +0.5 कर देंगे, तो आपका जो L1 + L2 होगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा। आप देख लीजिए करके, 1 में से 0.5 कर दीजिए तो आपका 0.5 आ गया, और 10 में 0.5 जोड़ दीजिए तो आपका 10.5 हो गया, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 0.5 और 10.5 तो आपका 11 आ जाएगा, और पुरानी आपकी सीरीज है 10 और 1 है, आप इसको जोड़ दीजिए तो भी आपका क्या आ जाएगा, 11। तो आपकी सीरीज कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप ऐसा करने से आपकी इसका L2 और इसका L1 दोनों का सेम हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कर लीजिए। आप इसको याद रखिएगा कि जब सीरीज आपकी क्लास इंटरवल चेंज रहेगा या क्लास इंटरवल का L2 और L1 मैच नहीं करेगा तो इसके लिए आप L1 में से 0.5 घटाएंगे और L2 में 0.5 जोड़ेंगे। आ जाइए क्वेश्चन में, देखते हैं कि नई सीरीज क्या बनती है। आप यहाँ पर लिखेंगे न्यू सीरीज या न्यू क्लास इंटरवल लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 में से 0.5 निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 0.5, और इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10.5, इसमें से घटाएंगे 0.5 तो आपका आएगा क्या, 10.5, और से 20.5 हो जाएगा। इसमें आप 0.5 जोड़ देंगे तो 20.5, और 21 में से आप 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20.5। 30 में 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 30.5, 30.5 हो गया, और आगे आपका 31 है, 31 में से 0.5 घटा देंगे तो 30.5, और यहाँ पे आपका 40 है तो 40.5 जोड़ेंगे तो 40.5, 41 में से 0.5 घटा देंगे तो 40.5, और यहाँ पे आपका 50 है तो हो जाएगा 50.5, और 51 में से 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 50.5, और यहाँ पर हो जाएगा 60.5। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका पहले सीरीज का L2 दूसरे सीरीज का L1 से मिलना चाहिए। अब देखिए मत मिल रहा है, आपका चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ पर क्या हो रहा था, 10 से 11, 20 से 21, 30 से 31 हो जा रहा था। और इसके बाद अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको नया क्लास इंटरवल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, और इसको आप फार्मूले को याद करिएगा, 0.5 माइनस करेंगे और दूसरे वाले में 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है, आ जाइए आगे तरफ। आप निकालिए, नई सीरीज मिल गई तो निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसको आप एक्स भी कहेंगे, 10.5 है और यहाँ पे 10.5, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 11 होगा, और 11 में आप दो से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5.5, 20 और 10 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 और 31 हो गया, 31 हो गया तो 31 में दो से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, 15.5, यहाँ पे आएगा 25.5, 35.5, 45.5, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 55.5। ठीक है, 50 और 60 जोड़ देंगे
आपका 6 5 11 110 110 और ये आपका हो गया 111 111 में आप भाग देंगे तो उसे तो 55.5 सेम तरीके से पूरा हो गया। तो आपके लिए अगला स्टेप है एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब एक्स आपका एफ यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है एफ इंटू एक्स, तो आपका आएगा क्या सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। और इसको आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा एन। आ जाइए, दो यहाँ पे हैं और 5.5 यहाँ पे है, दो और 5.5 इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 और 15.5 6 25.5 3 35.5 फिर 3 है 45.5 आगे 2 दिया हुआ है 55.5। चलिए फिर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 2 5 10 आपका कितना हो गया 11, ठीक है। आगे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का गुणा करेंगे आप 15.5 में तो आ जाएगा आपका 62, 6 का गुणा करेंगे 25.5 में तो आ जाएगा आपका 152 और 3 का गुणा करना है आपका 35.5 में तो आपका आ जाएगा 106.5, 3 का गुणा करना है 45.5 में तो आ जाएगा 136.5। अगला स्टेप आपका है 2 × 55.5 तो आ जाएगा आपका 111 और इनको जोड़ देंगे तो आपका जोड़ने के बाद आपका 579 आ गया, मतलब 579। अब आ जाइए हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 × 4 6 6 12 12 3 15 15 3 18 18 और 2 20। आ जाइए आप फार्मूले पे, फार्मूला आपका है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और इसमें भाग करना है बटे एन से, सिग्मा एफ एक्स है आपका 579 और एन दिया हुआ है 20। आप जब इसमें भाग करेंगे तो आपका आएगा 28.95, भाग देने के बाद आपका आएगा 28.95, इसको आप लिख सकते हैं 29, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन देखा जिसमें आंकड़े दिया हुआ था लेकिन हुआ क्या था कि क्लास इंटरवल अलग था, 1 से 10 था, 11 से 20, फिर 21 से 30। हमने क्लास इंटरवल को पहले अरेंज किया, क्लास इंटरवल अरेंज करने के बाद मध्यमान निकाले गया, मिड वैल्यू निकालने के बाद एफ और एक्स का मल्टीप्लाई किया गया, एफ एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, फिर उनको ऐड किया गया सिग्मा एफ एक्स और एन आपका था, एन को निकाला गया, एन को निकालने के बाद सिग्मा एफ एक्स में एन से भाग किया गया तो आपका आ गया 28.95, जिसको आप कह सकते हैं 29। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न समकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है कि आपने इसके पहले देखा था कि वर्ग अंतराल में एक एक का अंतर आ गया था, तो आपने वर्ग अंतराल उसको यह बनाया था और यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन से अधिक, 85 से अधिक, 70 से अधिक, 55 से अधिक, 40 से अधिक, 25 से अधिक, 10 से अधिक, ठीक है। तो आप इसको नया, इसमें भी नया आप क्लास इंटरवल बनाएंगे, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल नया कैसे बनाएंगे, से अधिक दिया हुआ है तो आप ले लीजिए पहले 10 से अधिक, उससे अधिक वाला क्या है 25, फिर पहला पद आपका 25 हो गया, 25 से अधिक 40, फिर 40 हो जाएगा, 40 से अधिक 55 और यहाँ पे आवाज आपका 55 और 55 से अधिक 70, यहाँ पे क्या आएगा आपका 70, 70 से अधिक क्या दिया है 85। लेकिन आप से अधिक वाले में, मोर देन में से अधिक वाले में 85 से एक पद अधिक ले जाएंगे तो 85 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका आएगा 100। इसमें देखिए 15 15 का अंतराल है, अंतराल कितने कितने का दिया हुआ है 15। अच्छा आपका नई सी आई हो गई, न्यू सी आई। अब हम बताएंगे न्यू एफ,
इसके लिए आप क्या करेंगे, 85 से 100 ठीक है ऊपर चले, 10 से ऊपर दिया, 10 से अधिक 100 दिया था, 100 माइनस 94 कर देंगे, 100 माइनस 94 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 25 से 40 में 94 से 74 दिया हुआ, और ये आपका 94 माइनस 74, 94 से 74 जाएगा आपका आ जाएगा 20। नेक्स्ट आपका 74 में से 30 घटाएंगे तो आपका आ गया 4 और साथ में फिर गया 4 ठीक है, और आगे आपका आ जाएगा 30 में से 4 घटाएंगे, 30 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 26, 4 है और यहाँ पे दिया हुआ था 70 से अधिक 4 और 1, 4 में से 1 गया आपका 3, और 85 से अधिक वाला कितना है 1, और आपने देखा कि टोटल दिया हुआ था यहाँ पे सबसे अधिक 100, 10 से अधिक टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी दिया हुआ है 100, आप इसको जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा, ये तो जोड़ लीजिए 44 और 6 50 50 20 70 70 और 3 73 74 74 और 6 आपका 80 और 80 20 100। तो आपने देखा यहाँ पे n बराबर आपका आ गया 100। अब आप जानते हैं कि आपको n मिल गया और f मिल गया, तो आपको निकालना क्या है मिड वैल्यू, n मिल गया f मिल गया तो आपको निकालना है मिड वैल्यू और f इंटू x का मल्टीप्लाई करना। मिड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, 25 और 10 35, 35 में 2 से भाग करेंगे आपका आएगा 17.5, और यहाँ पे आपका 40 और 20 60 5 65 है, 65 में 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना होगा, तो यहाँ पे आपका हो गया 65 का आधा 32.5। आगे आ जाइए 40 और 50 90 5 95 95 हो गया तो कितना हो जाएगा 47.5, 50 और 70 55 है और 70 है, 55 और 50 और 70 हो गया आपका 125 125 में आपका हो जाएगा 65.5, 70 और 80 आपका हो गया 150 155 155 हो गया तो आपका हो जाएगा 77.5 हो गया, और आपका आगे बचा हुआ है 85 और 100 जोड़ेंगे 185 185 हो गया, तो इसमें आपका हो जाएगा 185 का आधा कर लेंगे 10.5 हो जाएगा 2 92 92.5 हो गया। अब आपका आ जाएगा f इंटू x, f का मान 1 दिया हुआ है, 1 का गुणा 70.5 में करेंगे, दूसरा दिया हुआ है 4, इसका गुणा करेंगे 32.5 में, आगे f का मान दिया हुआ है 30, इसका गुणा करेंगे 47.5 में, f दिया हुआ है, ओ f गलत हो गया आपका, f आपका पुराना वाला रख दिया गया, आपको रखना क्या है f नया वाले वैल्यू, f नए वाले वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है, तो आप इसको रखिए 6 का 17.5 में, और यहाँ पे 20 है 20 का 32.5 में, 44 47.5, फिर आपका दिया हुआ है 26 62.5 में, 3 दिया हुआ है 77.5 और 1 है तो 92.5, आप इनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दीजिए, आप इसका गुणा करेंगे तो 105 आ गया, 650 20 90 1625 232.5 और 92.5, इनको आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 47.95 4795, और आपने f किया हुआ था 100, हमने इसको जोड़ा भी तो क्या आ गया n बराबर 100, आपका फार्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एम, सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 47.95 और आपका एन दिया हुआ है 100।
तो आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 2+1 लग जाएगा 47.95, यह आपका माध्य आ गया, मीन आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना क्लास खत्म करते हैं और आगे आपको करना क्या है इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, अगर फास्ट हो गया हो और अगर समझ में आए तो और बच्चों को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।